हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू श्री शेद विद्यापीठ स्कूल। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश ग्रामर फोर्थ चैप्टर। सो योर फोर्थ लेसन इज आर्टिकल्स। नाउ लेट अस फाइंड द मीनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट। ओके, सो इंडिफिनिट आर्टिकल्स आर ए एंड डिफिनिट आर्टिकल्स आर द। सो डिफिनाइट आर्टिकल्स द बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। सो जो डिफाइनाइट आर्टिकल्स होते हैं वो द है जो किसी सिंगुलर या प्लूरल नाउन के पहले आता है। एंड इंडिफिनाइट आर्टिकल्स अ बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड। बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट नाउन, ये जो है वो एक ऐसे मतलब नाउन्स के पहले आता है जिसका साउंड कंसोनेंट हो। ये वाला आप आगे चल के पढ़ोगे दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसोनेंट। ओके, नाउ एंड बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल। एंड जो है वो वॉवल्स जहाँ पे होते हैं जैसे ए ई आई ओ यू, ये सब वॉवल्स है, इसके आगे एंड लगता है। थ्री रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रूल इन आर्टिकल। नंबर वन, स्पेसिफाई आइडेंटिफाई नॉट नोन। मतलब जो स्पेसिफिक आइडेंटिफायर्स है वो ज़रूरत नहीं है इसमें, बिकॉज दिस इज ओनली दिस इज ओन आर्टिकल आइडेंटिफायर। ओके, सो जिसमें आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। यूज द इंडिफिनाइट आर्टिकल्स और अ और एन ओनली विद अ सिंगुलर काउंट नाउन whose specific identity is not known to the reader. Use a before noun that begin with a consonant sound and use an before the noun the beginning with a vowel sound. ये सब की मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया था। Use the article a or an to indicate any non-specific member of a group or category. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कोई नॉन स्पेसिफिक ग्रुप और कैटेगरी को कैसे यूज़ कर कैसे हम लोग आर्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग ए एंड एन। आई थिंक एन एनिमल इज इन द गैरेज। मुझे लगता है कि जो एनिमल है वो गैरेज में है। दैट मैन इज अ सोलिंड्रिल। वो जो आदमी है मुझे लगता है वही चोर है। वी आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट। हम एक अपार्टमेंट के लिए देख रहे हैं। सो ए एन यहाँ पे यूज़ हुआ है, जहाँ पे वॉवल्स है वहाँ पे एन यूज हुआ है, जहाँ वॉवल्स नहीं है वहाँ ए यूज हुआ है। सो रूल नंबर टू, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई नोन। यहाँ पे जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाई आइडेंटिटी है वो नोन हो, मतलब वो यूज होगा। यूज द डिफिनिट आर्टिकल्स द विद एनी नाउन वेदर सिंगुलर और प्लूरल काउंट और नॉन काउंट when the specific identity of the noun is known to reader as in the following situation। मतलब हम अगर वो specific identifier ज़रूरत होगा reader को तो हम लोग the use करके इसको ये करेंगे। Use the article when a particular noun has already been mentioned। हम उसको तब use करेंगे जब particular noun जो है वो already mention किया हुआ रहेगा। I ate an apple yesterday. The apple was juicy and delicious. I ate an apple yesterday. मैंने एक apple कल खाया था जो बहुत tasty था। Rule number three, all things in general use no article with plural count noun or any non-count noun used to mean all or in general. मतलब यहाँ पे है कि हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं यूज़ करेंगे अगर वो नॉन है या अननोन काउंट है तो भी। ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल। ऑल ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल। हम दो तरीके का इसको लिख सकते हैं। ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस इन जनरल। स्टूडेंट, दिस वॉज द आर्टिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम or any question, please feel free to contact us. Okay, so bye and have a nice day.